हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार लिस्ट का एक नया मेथड जानने वाले हैं। और याद रखिए, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और हम जब लिस्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स हम इस मेथड को जरूर यूज करेंगे। और इस मेथड का नाम है अपेंड मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के मेथड के सीरीज में मैंने आपको लेन फंक्शन, मैक्स, मीन और सीएमपी फंक्शन प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर दिया है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा अपेंड फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या फंक्शनैलिटी होती है अपेंड मेथड की, चलिए देखते हैं। तो हमारा अपेंड मेथड क्या कहता है कि दिस मेथड इज यूज टू अपेंड, यानी कि एड अ पास्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब अगर आपके पास कोई लिस्ट हो तो अपेंड फंक्शन की मदद से आप उस लिस्ट के लास्ट में कुछ एलिमेंट्स, कुछ वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। नोट दैट, ये नोट कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट इज एडेड टू द लास्ट ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट में एड होता है। मतलब आप जैसे एग्जाम्पल, अगर आप पहले सिंटैक्स देख लीजिए, सिंटैक्स में ये कहता है कि लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब लिस्ट के साथ आप डॉट यूज करेंगे और अपेंड मेथड को यूज करेंगे और जो भी ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है वो आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर एग्जाम्पल से देखें, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, अगर एग्जाम्पल के साथ आप देखें तो आप ए इक्वल टू राम, श्याम, सीता और गीता, ये चार एलिमेंट लेते हैं ए नाम के लिस्ट में और आप अगले ही लाइन में लिखते हैं ए डॉट अपेंड मीता। मतलब क्या हुआ, देखिए राम जो है, श्याम, सीता और गीता ऑलरेडी अगर आप देखिए तो जीरो इंडेक्स इसके लिए हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये मेथड यूज करेंगे अपेंड, मीता जो है एक फोर्थ इंडेक्स बन जाएगा और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, मीता स्टोर हो जाएगा। तो अगर इसके बाद अगर आप प्रिंट करते हैं ए को, तो राम, श्याम, सीता, गीता और मीता लास्ट में क्या हो गया, ऐड हो गया। इसलिए अपेंड फंक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि ये वैल्यूज को लास्ट में ऐड करता है। हमेशा इसका यही कैरेक्टर, कभी भी ये किसी दूसरे पोजीशन पे ऐड नहीं करेगा, ये जब भी ऐड करेगा लास्ट पोजीशन पे ही ऐड करेगा। तो अगर आप प्रोग्रामेटिकली इसे करना चाहते हैं तो देखिए, बेसिकली आप यहां इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि यही मेथड होगा, यही तरीका होगा। जैसे ही हम लिस्ट की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेने का हम बिल्कुल यही मेथड यूज करेंगे अपेंड की मदद से। करते क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन हमारा क्या है, ए इक्वल टू, और ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट को क्लोज किया। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक लिस्ट तो बना रहे हैं लेकिन ये लिस्ट जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट तो आपने बना दिया लेकिन उसमें आपने एलिमेंट्स नहीं डाले हैं। तो जब आपने एलिमेंट्स नहीं डाले मतलब वो ब्लैंक है। तो मतलब अब आप उसमें एलिमेंट्स डालने के लिए कोडिंग अलग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने एलिमेंट्स डालने हैं। मुझे 5 एलिमेंट डालने हैं अपने लिस्ट में, मुझे 10 एलिमेंट्स डालने हैं, तो ये पहले ही मैं डिसाइड कर लूंगा। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10 एलिमेंट डालने हैं तो मैंने यहां 10 लिखा। अगर मुझे 5 एलिमेंट डालने होते तो मैं यहां 5 लिखता। तो ये लूप आप जानते हो, फॉर आई इन रेंज 10 का मतलब क्या हुआ, ये 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा और 1 से बढ़ते हुए जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ये जाएगा। तो जब आई मेरी वैल्यू क्या है, आई की जब मेरी वैल्यू 0 है उस टाइम में जब ये लूप की बॉडी में एंट्री करेगा तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये मिलेगा। पहला स्टेटमेंट कहता है इनपुट एंटर आइटम टू ऐड इन द लिस्ट, यानी वो आइटम जो आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। तो जो भी एलिमेंट था वो एक्स में चला गया, ठीक है। तो एक्स में जब चला गया तो मान लीजिए यूजर ने एक्स में दिया 5, कुछ भी दे सकता है यूजर। और हम क्या करते हैं, ए डॉट अपेंड एक्स, यानी ए में ऐड कर दो क्या, एक्स को ऐड कर दो। तो ए में क्या है, ए में तो कुछ नहीं है स्टार्टिंग में। अगर हम यू बात करें, ए अगर बना है, ए बन तो गया है लेकिन इस ए में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो जैसे ही एक्स में वैल्यू आया, एक्स में वैल्यू आया क्या 5, और हम कहते हैं क्या कि ए में ऐड कर दो, अपेंड कर दो किसको, एक्स को। तो देखिए कुछ चूंकि एलिमेंट है ही नहीं इसलिए फर्स्ट पोजिशन ही किसको असाइन हो जाएगा, 5 को, और ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स। अब ये लूप है, फिर से ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा हमारा जो इंडेक्स है, जो जीरो आई जो जीरो था वो जीरो से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 हुआ अभी भी 10 तक चलना है इसको, फिर से ये पूछेगा इंटर आइटम जो भी आप डालना चाहते हैं और उसे एक्स में स्टोर कर लेगा। मान लीजिए इस बार एक्स में यूजर ने 10 दिया और फिर से ए डॉट अपेंड एक्स, तो इस बार देखिए ऑलरेडी ए में हमारे वैल्यू है इसलिए इसके बाद वो अपेंड हो जाएगा। तो एक्स में 10 था इसलिए यहां क्या अपेंड हो जाएगा, 10 अपेंड हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर ये पूछेगा एंटर आइटम टू ऐड इन द लिस्ट, आपकी वैल्यू फिर से एक्स में आ जाएगी। मान लीजिए यूजर ने इस बार 15 दिया, आप कहते हो ए डॉट अपेंड एक्स, यानी ए में अपेंड कर दो। तो अपेंड मतलब क्या, वो ऐड कर दो, तो ऐड कर देगा। यहाँ पे इंडेक्सिंग अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी, ये 0 था ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही 3 इंडेक्स,
4 इंडेक्स बनेगा, 5 इंडेक्स बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा और 9 बनेगा। और मान लीजिए वैल्यूज यूजर एक एक करके यहाँ 20 देता है, यहाँ 25, 30, जरूरी नहीं यही दे, मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ वो अलग बात है, 40, 45 और क्या दे, 50 दे। और जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि ये कहां से कहां तक जाने वाला था, ये 0 से लेके 9 तक जाने वाला था। अब आपके पास जो लिस्ट शुरू में ब्लैंक था, आपने यहां 10 किया, जिसकी वजह से ये सारा, ये दोनों स्टेटमेंट 10 टाइम्स चला और 10 एलिमेंट्स का एक लिस्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंटीजर दें, आप चाहते तो क्या दे सकते थे, स्ट्रिंग वैल्यूज भी दे सकते थे, फ्लोट की वैल्यूज भी, यानी कि डेसिमल वैल्यूज भी दे सकते थे। जो भी वैल्यू आप देते, ये एक एक करके लिस्ट में क्या करते चला जाता, ऐड करते चला जाता। और प्रिंट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप प्रिंट ए लिखेंगे, सारा एलिमेंट्स एक एक करके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब ये एक चीज और यहां पे बताना जरूरी है कि क्या हम सिर्फ इसी तरीके से अपने लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, नहीं, हमारे पास और भी तरीका है। अगर हम वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम ये लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज क्या 10, तो फिर से ये 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। याद रखिए आई फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे जब हम प्रिंट करेंगे a ऑफ i, यानी a ऑफ 0, तो a ऑफ 0 में क्या वैल्यू है, 5, तो क्या प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। फिर i बढ़ेगा, i बढ़ के क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 होगा, फिर से a ऑफ i प्रिंट करेगा तो a ऑफ 1 प्रिंट करेगा, और a ऑफ 1 कितना है, 10 है, देखिए तो 10 प्रिंट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि i जो है वो इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, यहां पे i जो है ये भी इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, और a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 जो कि वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर i बढ़ेगा, i यहां पे कितना आ गया, 2 पे आ गया। अब जब फिर a ऑफ i प्रिंट होगा तो a ऑफ 2, a ऑफ 2 में कितनी वैल्यू है, 15 है, क्या प्रिंट हो जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि हमने 0 से लेकर 9 तक का क्या लगा रखा है, लूप लगा रखा है, ये सारा एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये भी होता है कि फॉर i इन a, इन ऑपरेटर आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, इनका मतलब होता है कि जिस भी लिस्ट में आप कहेंगे उस लिस्ट में i जो है 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट पे जाएगा। और यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि i इंडेक्स को नहीं मेंटेन करेगा, क्यों, क्योंकि इन ऑपरेटर जो होता है वैल्यू को इंडिकेट कर देता है। तो i जो है पहली बार 5 होगा, अगली बार 10 होगा, i ना कि 0 1 2 होगा, तो 15 होगा, 20 होगा, और ऐसे करके जैसे ही हम सिर्फ प्रिंट i करते चले जा रहे हैं, i मतलब वैल्यूज प्रिंट होते चली जाएंगी, जब तक, कब तक, शुरू से लेके लास्ट तक a नाम के लिस्ट से। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको प्रैक्टिकली करके एक बार देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट को। तो चलिए इसके लिए प्रैक्टिकली करते हैं, और प्रैक्टिकली करने के लिए आपको पाइथन का आईडीएली ओपन करना होगा, तो हम पाइथन का आईडीएली ओपन करते हैं। हमारा पाइथन का आईडीएली ओपन हो गया, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊं लिस्ट, ताकि इनपुट करने में हमें टाइम नहीं लगे, मैंने सिर्फ 5 के लिए चलाया, तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स हमारे ऐड होंगे। मैं यहां क्या कहता हूं, एक्स इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, जो भी नंबर आप, मान लीजिए आप सिर्फ नंबर ही एंट्री कराना चाहते हैं, और आप क्या करेंगे, ए डॉट अपेंड कर देंगे, किसको, किसमें, ए में अपेंड कर रहे हैं, किसको, एक्स को। अब याद रखिए, अगर आप यहां बोलते हैं एंटर नंबर, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि नंबर है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पे इंट लगाएंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आप यहां इंट नहीं लिखते, जो भी वैल्यूज थी वो किस फॉर्म में आती, वो सारी की सारी स्ट्रिंग फॉर्म में आती, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो हमारा तैयार हो रहा है लिस्ट, वो एक इंटीजर लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज होंगे। और आप चाहें तो यहां प्रिंट ए की मदद से क्या कर देंगे, सारे वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। सेव करते हैं, मान लीजिए मैं डेमो लिस्ट करके नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसे क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं। रन करने के लिए रन मेन्यू पे जाऊंगा और क्या करूंगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। कुछ इनवैलिड सिंटेक्स है, फॉर आई इन रेंज, आई एम सॉरी, मैंने यहां टाइप करने में गलती की है, अब फॉर आई इन रेंज करना होगा। यहां पे हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो रन करने के लिए फिर से मैं रन मेन्यू पे जाऊंगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा, और यहां पे देखिए वैल्यूज पूछ रहा है 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 ही वैल्यूज पूछेगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो यहाँ लूप लगा रखा है वो कितने एलिमेंट्स के लिए लगा रखा था, फॉर आई इन रेंज 5, तो 5 एलिमेंट्स ही पूछेगा। जैसे इंटर करूंगा, देखिए सारे एलिमेंट्स को उसने क्या कर दिया, 1 बाय 1 प्रिंट कर दिया। इसको प्रिंट करने का दूसरा भी तरीका है, कैसे, मैंने आपको बताया था, आप चाहते हैं फिर से लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन रेंज और क्या कर दीजिए, इसको 5 ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट्स ही हैं। और जो प्रिंट करने वाली एक्टिविटी है उसमें प्रिंट करेंगे आप किसको, ए ऑफ विच वन, आई को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कैसे, देखिए फाइल में जाएंगे हम, इसको पहले जो भी हमने चेंजेस किया उसको सेव करेंगे, रन मेन्यू पे जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, 1, 2, 3,
फोर और फाइव। तो देखिए इसने कैसे दिखाया, वन बाई वन दिखाया, और इसने किस फॉर्मेट में दिखाया था, लिस्ट के फॉर्मेट में ही दिखाया था। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर आई इन क्या करेंगे, यहाँ पे ए करेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, आई को सीधे प्रिंट कर देंगे। तो ये भी हमारा काम परफॉर्म कर लेगा। सेव कर लिया, रन मेन्यू में गया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, फिर से वन टू थ्री फोर और फाइव दिया, जैसे इंटर दिया देखिए हमारा फिर से सारा एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव क्या हो गया, प्रिंट हो गया। मतलब तीनों तरीकों से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे जो इजियर तरीका होगा, अगर आपने सी और सी प्लस प्लस और जावा पढ़ा है, तो ए ऑफ आई वाला कंसेप्ट जो है, यानी जो दूसरा कंसेप्ट है, वो आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल एड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।